तो हमें इस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्लैप्टोमिया इज डिफरेंट फ्राम द शॉप लिफ्टिंग एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिमिनल एक्ट ऑफ थेफ्ट तो इफ़ यू आर सेइंग सम वन इज स्टीलिंग तो स्टीलिंग का मतलब ये है कि जो भी शख्स स्टील कर रहा है बेसिकली वो उस चीज़ को वैल्यू करता है और उसको वो चीज़ चाहिए होती है दैट इज द क्रिमिनल एक्ट जिसके अंदर वो पूरी एक चीज़ को प्लान आउट करेगा प्लान आउट करने के बाद वो उस चीज़ को स्टील कर लेगा लेकिन जब हम बात करते हैं क्लैप्टोमिया की तो क्लैप्टोमिया के अंदर बच्चा जो चीज़ स्टील करेगा उसकी एज सच किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं होगी और वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होगी इसमें यूजुअली लोग आमतौर पे Uh, जिस तरह uh, कोई कॉपी uh, चोरी कर ली कोई पेन चोरी कर लिया कोई पेंसिल चोरी कर ली मतलब कोई वैल्यूएबल चीज़ें नहीं होंगी जिसको बच्चा जो है वो चोरी करेगा तो क्लैप्टोमेनिया के अंदर uh, या तो वो बच्चा उस चीज़ को uh, जब वो चोरी करेगा तो उसे लेकर अपने पास रखेगा थोड़ी देर के लिए देन द चाइल्ड स्टार्टेड टू फील गिल्टी अबाउट दैट एक्ट और फिर वो या तो उसे थ्रो अवे कर देगा या वो किसी को दे देगा तो दिस इज़ समथिंग कि जो स्टीलिंग होती है उसके अंदर आमतौर पर रिमोर्स और गिल्ट जो है वो पैदा नहीं होता लेकिन जो क्लाप्टोमिया होता है उसके अंदर जब बच्चा एक चीज़ को स्टील कर लेता है तो उसको रिमोर्स या गिल्ट जो है वो डेवलप उसके अंदर होता है इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि मोरल डिसफंक्शन जो है जो मोरालिटी का इशू है वो क्लाप्टोमिया में नहीं होता लेकिन आ, उसके अंदर शॉप लिफ्टिंग के अंदर या सीलिंग के अंदर ये एलिमेंट एबसेंट होगा शॉप लिफ्टिंग के अंदर मोस्टली लोग जब कोई चीज़ चुराते हैं बड़े मॉल से तो या तो वो उस चीज़ से डिप्राइव होते हैं इसलिए वो चीज़ चोरी करना चाहते हैं उनको उसकी वैल्यू का पता होता है वो वैल्यू एस्टिमेटेड चीज़ों को चोरी करते हैं और वो प्लान करके चोरी करते हैं ठीक है तो जो क्लप्टोमीनिया है उसमें प्लानिंग नहीं होती बल्कि जो बच्चा है वो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में है उसने किसी दूसरे बच्चे की बुक उठा ली किसी बच्चे का टॉय उठा लिया शॉप में गया कोई कैंडी उठा ली या कोई और न, साबुन उठा लिया कोई भी चीज़ वॉशिंग की कोई चीज़ ले ली कोई आ, खाली जो आप कहते हैं कि कोई कैन उठा लिया इस तरह की छोटी चीज़ें जो हैं वो चोरी करते हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी अगर यही पैटर्न uh, जो है वो एडोलस एज के अंदर भी चला जाए तो जो थिंग्स हैं वो माइट बी हैव अ ग्रेटर वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कार्ड ले लिया जैसे हम ए टी एम कार्ड कहते हैं वो चोरी कर लिया लेकिन इंटरेस्टिंगली या तो वो लोग उसको यूज़ करेंगे अगर वो यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा रिगरेट uh, फील होगा और वो उस चीज़ को वापस करेंगे उस शख्स को ठीक है या वो उसे थ्रो अवे कर देंगे या वो किसी और को दे देंगे तो क्लाप्टोमीनिया के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जब अर्ज डेवलप होती है तो सबसे पहले अर्ज डेवलप होने से पहले उसको टेंशन महसूस होती है और जिस वक्त टेंशन महसूस होती है बच्चे को तो द चाइल्ड वॉन्ट टू तो स्टील समथिंग और जैसे ही वो स्टील करने के प्रोसेस में आता है तो द चाइल्ड स्टार्टेड टू तो फील प्लेयर बाय डूइंग दैट एक्टिविटी और जिस वक्त वो स्टील कर चुका होता है उसके फ़ौर बाद फ़ौर बाद या थोड़ी देर बाद ही स्टार्टेड टू तो फील रिमोर्स और गिल्टी अबाउट दैट एक्ट ठीक है तो ये जो चीज़ है ये क्लैप्टोमिया का फीचर है सेकेंडली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आम तौर पर इसका जो ऑनसेट है वो चाइल्डहुड में होता है ठीक है और उसके बाद इसका ऑनसेट एडोलसन एज में भी हो सकता है लेकिन मोस्ट लाइकली क्लैप्टोमिया जो है वो चाइल्डहुड में होता है इंटरेस्टिंगली ये कहा जाता है कि जो शॉप लिफ्टर्स होते हैं जब उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये पता चलता है कि एक का क्वाइट बिग प्रोपोर्शन जो है उनमें ऐसा होता है जिनके अंदर क्लैप्टोमिया जो है आ, क्या एलिमेंट मौजूद होता है बट दैट डज नॉट मीन के उनकी सारी शॉप लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लप्टोमीनिया के रेफरेंस में आती हैं नहीं चंद एक, एक एक्टिविटीज जिसके बारे में वो पर्टिकुलरली बताते हैं कि दे फील दैम सेल्फ अर्ज स्टील समथिंग और जब उन्होंने वो चीज़ चुरा ली और उसके बाद दे जस्ट थ्रू यू इट आउट और दे जस्ट गिव इट टू समी एल्स और आफ्टर दैट दे फील गिल्टी तो देयर आर सम एक्टिविटीज़ जो कि शॉप लिफ्टर के अंदर हमें मिलती हैं क्लैप्टोमिया से रिलेटेड इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बहुत से बच्चे क्लैप्टोमिया इन द एडोलसन्स एज इसलिए भी करते हैं बिकॉज दे फील के जिस तरह उनके फ्रेंड्स ने उनको डेयर किया कि विल सी आदर यू डू इट और नॉट तो उस चक्कर में वो सर्टन टाइम स्टार्ट डूंग द एक्ट ऑफ क्लैप्टोमीनिया समाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू नीड टू बी फाइंड आउट कि क्लैप्टोमीनिया का जो ओरिजन है वो किस तरह आया समाइम दे जस्ट वॉन्ट टू बी शो देयर रेबेलियस एटीट्यूड और बिहेवियर तो उस रेबेलियस एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से भी सर्टन टाइम uh, वो क्लैप्टोमीनिया uh, uh, की जो हैबिट uh, है उसको डिवेलप कर लेते हैं क्लैप्टोमिया चाइल्डहुड में जिस तरह मैंने बताया डिवेलप होता है एडोलसन में भी डिवेलप हो सकता है प्रायर एज थर्टी ईयर में भी डिवेलप हो सकता है लेकिन लेटर स्टेजस के अंदर लाइक आफ्टर फिफ्टी इट इज़ वेरी रेयर कि क्लाप्टोमीनिया जो है वो किसी के अंदर डिवेलप हो इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है जब आपने क्लाप्टोमिया को डायग्नोज करना है कि दैट एक्ट्स कैन नॉट बी सैटिस्फाइड विद द डायग्नोसिस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड डिल्यूजनस और हलूसिनेशन ठीक है यानी इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से जो है क्लैप्टोमीनिया के फीचर्स जो हैं वो किसी शख्स के अंदर एग्जिबिट ना हो रहे हो तो इन शॉर्ट अगर हम क्लैप्टोमीनिया को प्रिसाइसली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इट इज़ बेसिकली रिकरेंट अर्ज टू स्टील टिपिकली विदाउट रिवॉर्ड और नीड और प्रॉफिट ठीक है यानी उससे उस शख्स उस को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा वो ये नहीं करेगा कि वो चीज़ को चोरी करेगा और जाके सेल कर देगा और उससे उसकी कोई प्राइस उसको मिल जाएगी या वो चीज़ को इतनी एक्सपेंसिव होगी कि वो अपने यूज़ में ले आएगा फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंसिव हो जाए उसने शॉप लिफ्टिंग के दौरान चोरी की और उसने उसको यूज़ कर लिया ऐसा नहीं होगा बल्कि ये इजिस्टेबल टेम्पटेशन होगी अर्ज होगी किसी की कि वो कोई चीज़ स्टील करे विच हैज़ नो Major value in that particular person's life. Thank you.